अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोग सब में शेयर करूंगी ये डिज़ाइनिंग सा कॉलर नेक यानी कि कोट कॉलर जो नेक है वो किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हो। ये नेक आप लोग कमीज पे, कुर्ती में, उसके बाद ब्लाउज पे आप लोग इजीली इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी बॉडी मेजरमेंट है और नेक का जो मेजरमेंट है वो मैं लूँगी। लेने के बाद एक कागज़ के ऊपर इस तरह से मैं इसको लगा के चारों तरफ से इसको ड्राइंग कर लूँगी। करने के बाद 1 इंच नेक जो हमारी नेक है वहाँ से 1 इंच करके एक्स्ट्रा मुझे लेकर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं बच्चे के लिए 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप लोग अडल्ट पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो आप लोग 5 इंच तक ले जा सकते हो। ले जाने के बाद मुझे यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे और ज़्यादा देने के लिए सो आप लोग 4 इंच तक जा सकते हो, पर इससे ज़्यादा मत जाना, 4 इंच तक ही रहना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक राउंड सा शेप दे दूँ। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो जो नॉर्मल कोट के जैसा है कोने वो भी कर सकते हो, ये राउंड शेप भी दे सकते हो, जो आप लोगों को ईजी लगता है वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कोई भी नेक दे सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। नेक की यहाँ पे मैं डॉट डॉट लाइन देकर यहाँ से मैं 1/2 इंच पे एक मार्क करके यहाँ पे एक शेप दे देती हूँ। ये है मेरी बैक नेक, मेरे पीछे का नेक। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन है 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टोटल मैं लूँगी 2.5 इंच, यानी कि यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच से भी ज़्यादा थोड़ा कपड़ा मैं ज़्यादा लूँगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ लाइन दे देती हूँ, सॉरी एक डार्क ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेरी नेक का, बैक नेक का मेजरमेंट था वही मैं यहाँ पे लूँगी और यहाँ से 1-2 इंच पे मार्क करती हूँ जो मेरी नेक का चौड़ाई था वो। अब मैं क्या करूँगी, इस लाइन से मुझे यहाँ से मुझे ऊपर तक एक लाइन खींचना होगा इस तरह से। उसके बाद नीचे से मुझे 1 इंच पे एक मार्क करूँगी यहाँ पे, यहाँ पे 1 इंच पे लूँगी। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे 1 इंच ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि ये कोने का पार्ट ये बेबी के लिए कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने यहाँ इसलिए 1 इंच से थोड़ा कम दिया है। आप लोग अडल्ट पर्सन के लिए 2 इंच ले सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, बैक नेक को मेज़र कर लेती हूँ इस तरह से। तो मेरी यहाँ पे आता है 2 इंच 5, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लिया है। और जो मैंने मार्क किया है अब उससे मुझे 1/2 इंच से भी थोड़ा कम यहाँ पे ड्रॉ करके इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये इसको एक स्ट्रेट लाइन कर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जो मैं बता रही थी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं ये राउंड वाला शेप नहीं दूंगी, तो आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से भी आप लोग ये ले सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को लगता है यहाँ से आप लोग इस तरह से लेना चाहते हो तो इस तरह से भी ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने 2 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके नीचे तक यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन दूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये सीधा रहे, जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं ऐसे। देने के बाद अब चारों साइडों से मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसी माप के मुझे 2 पीस चाहिए, तो इसको मैंने कट कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे इस तरह से इसको स्केल को रख के नेक का जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पे मैं इस तरह से रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दिखने में ऐसा लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है उसको मुझे एक शेप देना है। सो मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको रख के फोल्ड करके मैं एक शेप दूँगी इस तरह से। ये जो शेप मैं दूँगी
कोई भी मेज़रमेंट के बिना ही मैं दूंगी। आप लोगों को जो मेज़रमेंट अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे दे सकते हो इस तरह से। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये मैं नहीं करना चाहती, तो आप लोग जो पहले बार था वो उस तरह से भी आप लोग रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी इस तरह से दो, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, चारों तरफ से मैं हाफ इंच करके ज़्यादा लेकर इसको मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरी कॉलर का जो अंदर का ये पार्ट है वो, तो इसको भी मैं दो पीस पे कट कर लूँगी। अब मैं राइट साइड को राइट साइड एक तरफ रख के इसको मैं स्टिच कर लूँगी। सिर्फ नेक के पास जो पार्ट है वो मैं स्टिच करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मुझे स्टिच करना नहीं है। अब मैं इसकी जो कोने हैं और राउंड शेप जहाँ जहाँ पे आए हैं वहाँ वहाँ पे छोटे छोटे करके कट दे देती हूँ। और एक छुरी या फिर कच्ची के साथ हेल्प लेकर मैं इसको जो कोने हैं उसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये मेरी पहला पार्ट हो गई है। अब मुझे सेकेंड जो पार्ट है उसको और इसको एक साथ स्टिच करना है। तो ये कंप्लीट हो गई है। आखिर पे मुझे यहाँ पे चाप स्टिच देना होगा, तो उससे पहले यहाँ पे एक साथ इसको फेस टू फेस रख के यहाँ पे मैं स्टिच कर लूंगी। स्टिच करने के बाद आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा है कपड़े जो है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे कम है वो रख के जो ज़्यादा है उसको आप लोगों को कट करके इसके मेज़रमेंट में ले आना होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है हम लोगों को उसको कट करना होगा। इस मेथड से आप लोग बच्चे के लिए भी कर सकते हो, इसके बाद कुर्ती के लिए भी इजीली कर सकते हो। सिर्फ मेज़रमेंट जो है वो आप लोगों को जो अडल्ट पर्सन की मेज़रमेंट है उससे सिर्फ लेना होगा, वरना जो तरीका है वो सेम टू सेम यही है। सो अब मैं क्या करूँगी, ये जब ये कट हो जाएगा उसके बाद दोनों को एक साथ मैंने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से ले तक यहाँ तक मुझे चाप स्टिच देना होगा इस तरह से। इस तरह से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे स्टिच करना होगा। और थोड़ा ध्यान से जब आप लोग स्टिच दोगे, थोड़ा टाइम लेकर आप लोग जितना नज़दीक हो सके बॉर्डर का वहाँ पे स्टिच करना। इससे होगा क्या, जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आएगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों का कुर्ती है या फिर जो कमीज़ है उसको बैक पार्ट को यहाँ पे स्टिच करके इसको कंप्लीट करना होगा। सो आप लोग देख सकते हो ये कितना क्यूट और इजी है, बहुत ही आसानी से इस नेक को मुझे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये जो पार्ट है आप लोगों को सिर्फ अगर आप लोग चाहते हो तो इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर इसको ग्लू देकर यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल स्टिच हम नेक पे देते हैं वो स्टिच भी हाथों से दे सकते हो। तो यहाँ पे ये तैयार हो गई है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर और कॉमेंट करना, और जो लोग नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।